हेलो एवरीवन, मैं निगार अपने चैनल ब्यूटी विद निगार में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। गाइज, आज का वीडियो ना बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ग्लास स्किन फेशियल का वीडियो। तो ये फेशियल जो है आपकी स्किन पे लेकर आने वाला है कमाल का ग्लो और चमक और शाइन की तो पूरी गारंटी है, ये तो आने ही आने वाला है। इसके साथ ही गाइज, ये फेशियल आपके स्किन पे आने वाले एजिंग के साइन को स्लो करेगा। चाहे आपके डार्क स्पॉट हो, चाहे आपके रिंकल्स हो, फाइन लाइंस हो, या फिर आपके डार्क सर्कल हो, तो ये सारे आज आपके रिमूव होने वाले हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो का टॉपिक अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे अच्छा लगेगा देखकर कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को बेल आइकन को प्रेस करके जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पर ब्यूटी, फैशन और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस लेकर आती रहती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं कि ग्लास स्किन फेशियल हमें किस तरह से करना है। इस ग्लास स्किन ट्रीटमेंट को करने के लिए हमें ज़रूरत है एक पके हुए केले की। तो इस तरह से हम केले को पील ऑफ कर लेंगे और एक बाउल में उसका हमें इस तरह से कट करते हुए अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। तो केला गाइस एंटीऑक्सीडेंट और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज से भरपूर होता है। ये हमारी स्किन को ग्लो, चमक और शाइन देता है और इसके साथ साथ हमारी स्किन को ये रिंकल्स फ्री करता है। तो ये हमारा पेस्ट बनकर तैयार है। सबसे पहला स्टेप है हमारा फेशियल का क्लिंजिंग। तो इस तरह से एक बाउल में 1 टीस्पून हमें लेना है बनाना पेस्ट और इसमें हमें ऐड करना है 2 टीस्पून रॉ मिल्क यानी कच्चा दूध। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसे अपने फेस पे अप्लाई करके हमें 1 से 2 मिनट तक फेस पे अच्छे से मसाज करना है। दो मिनट के मसाज के बाद आप एक कॉटन से अपने फेस को क्लीन कर लीजिए। हमारा सेकेंड स्टेप है स्क्रबिंग। तो इसके लिए एक बाउल में हमें लेना है 2 टीस्पून राइस फ्लोर यानी चावल का आटा। उसमें ऐड कीजिए 1 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर और 1 टीस्पून ये बनाने का पेस्ट। तो आपको ये सारी चीज़ें मिक्स कर लेना है और गाइस इससे अपने फेस पे स्क्रबिंग करनी है। इससे आपकी स्किन की डलनेस, टैनिंग और जो डेड लेयर्स है वो सारी रिमूव होकर आपका फेस बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। 2 से 3 मिनट तक इस तरह से स्क्रब करने के बाद आपको अपने फेस को वॉश कर लेना है नॉर्मल वाटर से। तो देख सकती हैं आप, चेहरा सिर्फ स्क्रबिंग करने से ही कितना ज़्यादा ब्राइट लग रहा है। इसके बाद हमारा आता है थर्ड स्टेप, वो है मसाज। तो मसाज के लिए एक बाउल में हमें ले लेना है 2 टीस्पून बनाना पेस्ट। इसमें हमें ऐड करना है 1 टीस्पून एलोवेरा जेल। तो यहाँ पे मैं फ्रेश एलोवेरा जेल ले रही हूँ और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप मार्केट वाला एलोवेरा जेल भी ले सकती हैं। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 2 विटामिन ई के कैप्सूल। तो ये बहुत ही बेहतरीन सी हमारी मसाज क्रीम तैयार है। इसको हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और पूरे फेस पे फेशियल स्टेप लेते हुए हमें 5 मिनट का मसाज करना है। तो मसाज से हमारे फेस का ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है और चेहरे पे नेचुरली ग्लो दिखाई देने लगता है। तो मसाज करने के बाद अब फोर्थ स्टेप है हमारा फेस पैक। तो फेस पैक के लिए जितना भी लास्ट में हमारा ये बनाना पेस्ट बचा हुआ है इसी में हमें ऐड करना है 1 टीस्पून बेसन। अब इसमें हमें ऐड करना है 1 पिंच हल्दी। इसके बाद ऐड कीजिए लगभग 1 टीस्पून लेमन जूस और रोज़ वाटर की हेल्प से हमें बहुत ही अच्छा सा इसका पेस्ट बना लेना है। तो गाइस बहुत ही हमारा ये अमेजिंग सा फेस मास्क बनकर तैयार है। इसको आप अपने पूरे फेस पे अप्लाई कीजिए और ड्राई होने के लिए इसे आपको छोड़ देना है। तो जब ये सेमी ड्राई हो जाए तो आपको डायरेक्टली इसको वॉश नहीं करना है, हल्का सा आपको फेस पे स्क्रब करते हुए अपने फेस को वॉश कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ये ग्लास स्किन फेशियल करने के बाद ग्लो की पूरी गारंटी है कि आपके फेस पे कमाल का ग्लो नज़र आने वाला है। हज़ारों रुपए का ग्लो आपको मिलेगा इस ग्लास स्किन फेशियल से। आप विजिबल रिजल्ट बिल्कुल देख सकती हैं, मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लो कर रही है और शाइनिंग है स्किन पे, एक नेचुरल शाइन नज़र आ रही होगी आपको। तो इस
ग्लास स्किन फेशियल को आप ज़रूर कीजिए और इसके रिज़ल्ट मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आगे भी मैं आपके लिए बहुत अच्छे वीडियोज़ लेकर आने वाली हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दुआ में मुझे याद रखिए। टेक केयर, बाय बाय।